होंडा का FZ500 मॉडल, इस पे लिखा हुआ है होंडा GX160। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, सपोर्ट करें। ये है चुनूर पांडे जी, इन्होंने ही इसे खरीदा है। पांडे जी बड़े वास्तुकार हैं। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वाराणसी से खरीदा गया, नियर अबाउट 30-40 बीघा मर्चा लगा हुआ है। तो अच्छा ये बताइए कि आप ये सेंटर रोटरी है, सेंटर रोटरी है और बेल्ट से चलने वाला है ये? हाँ जी, बेल्ट से चलने वाला। और कितने HP का है ये? ये है 5.5। 5.5 HP का। तो आप ये बताइए कि ये तो महंगा होगा, कितने का पड़ा आपको ये? 88,000 रुपए का पड़ा। तो आपने इतना महंगा क्यों लिया, इससे सस्ता भी विकल्प है मार्केट में? देखिए विकल्प ये है कि विकल्प तो 30,000 का भी हमारे यहाँ बिक रहा है, लेकिन हमारा क्या है कि होंडा जो है एक नंबर एक का ब्रांड है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। तो हम ये मान रहे हैं कि इसका जो हॉर्स पावर है 5.5, तो 5.5 है, 5.5 है। और दूसरे की अपेक्षा ये करिए कि उसमें लिखा हुआ है 8 हॉर्स पावर, लेकिन 8 हॉर्स पावर है नहीं, है नहीं, वो 4-3 हॉर्स पावर में डू हो जा रहा है। और हम इससे इतना संतुष्ट हैं कि हम क्या बताएं आपको, हम इससे 45 बीघा भर तक जोत चुके हैं। ये भैया देखिए एक तरीके से रिव्यू है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि यार इतना महंगा है तो हम मतलब हम भी किसान ही है ना, हमारी कंपनी है ना भैया कंपनी है। नहीं नहीं, हमारी कंपनी थोड़ी ना। लेकिन जो भी है होंडा है। ये मान के चलिए इसका तोड़ सारा चीज होंडा ने ही इसको बनाया, इसमें और कुछ और कोई कंपनी का रोल नहीं है, है कि सारा चीज होंडा का ही है। इसमें कोई कहीं का पार्ट कहीं सब। तो दोस्तों देखिए मार्केट में हर तरीके का विकल्प है, हर तरीके के लोग है लेने वाले, सबका अपना अपना च्वाइस होता है। कुछ लोग ब्रांड पे जाते हैं क्योंकि ब्रांड की एक क्वालिटी होती है। अब इस अच्छा भैया इस पे बताइए कि ये वारंटी गारंटी क्या है इस पे साल भर की गारंटी, इसको कुछ होगा नहीं, मतलब वैसे कंपनी कहते हैं साल भर की आपको सर्विस मिलेगी। अच्छा तो इसका क्या बाइक वाइक का जो शोरूम वोरूम है? होंडा के बाइक शोरूम से आप इसका सर्विस करा सकते हैं। तो कहाँ से लिए थे आप ये? हम मलदहिया से लिए थे, नदेसर साइड, उधर से वो हमको आपके डिलीवरी किया था। अच्छा उनका कांटेक्ट नंबर है आपके पास? हमारे पास कांटेक्ट नंबर है। तो दोस्तों आप लोगों को इस होंडा सेंटर रोटरी टिलर जो कि ये देखिए बेल्ट चलित है ये, अरे आप इसको आप देख सकते हैं। हाँ। कि ये कितना अंदर तक जाता है। आपको नहीं नहीं वो 8 इंच तक गहराई करता है। तो अभी भाई लोग देखने वाले मेरे जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो अपना गिला सिखो गहराई दिखाइए आप भाइयों। आप लोगों का जो भी गिला सिकवा है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों का कैसा चल रहा है। भैया लिए हैं अपना अंगों बता रहे हैं। ये देखिए 5.5 HP का है ये, और देखिए 30-40 बीघा मिर्च की खेती करने वाला मालिक आदमी है ये। अब देखिए ये समझ लीजिए ये भी इसको लेके जोड़ सकता है, ये इसकी एज होगी कम से कम 12-13 साल। जी जी, ये भी आराम से लेके चल रहा है जी, मतलब इसमें ना कोई पटक है ना कुछ है। हाँ। बहुत बढ़िया है, हल्की भी है। हाँ। आवाज भी आप लोग सुन ही सकते हैं दोस्तों, कितना मीठा है। अच्छा इसमें 2 फॉरवर्ड है और 1 रिवर्स। अच्छा ये रिवर्स गियर है कि क्लच द्वारा है? नहीं नहीं रिवर्स, अच्छा गियर लगाया क्लच को दबा दिया। अच्छा गियर इसमें रिवर्स के लिए गियर भी दिया है, और उसमें बहुत से में क्या है कि गियर नहीं दिया रिवर्स के लिए, क्लच दबाएंगे तो बैक होने लगता है। नहीं तो हमारे में ऐसा है कि गियर लगा हुआ है, रिवर्स का है, 2 फॉरवर्ड के। चलिए अच्छा। अच्छा भाइयों अगर आप लोगों का जो भी गिला सिकवा होगा, जो भी आप लोग इसके बारे में वीडियो देखेगा बोलना चाहेगा कुछ भी, तो वो कमेंट में बोल सकता है जो भी अच्छा बुरा होगा कि और किसान इसको ले कि न ले। और अगर आप लोग बोलेंगे तो जहाँ से ये लाया गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में इनका नंबर भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं। और यहां आप ये नदेसर का आप लोग भी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, हम भी किसान हैं और भैया भी किसान हैं और है भी किसान है, वो छोटे मोटे कैसे हरवाई है। जुआ कहाँ लगा है पांडे जी ये बताइए आप? ये समझ लीजिए जो जुआ है, जो पहले
अच्छा, ये बातों बातों में हमने आपसे आपका परिचय तो लिया है, पहले अपना परिचय बताओ। सुरेश कुमार पांडे, हमने बीटेक कर रखा हुआ है शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। हमने 2 साल जॉब भी किया यहाँ पे टिकोला प्लॉट में। हम खुद के नौकर बने, खुद के अंबानी अंडानी और खुद की गुलामी करेंगे। हम अपने बाप को बढ़ाए, ये हमारा सोच है। एकदम सही बात है। और ये अब लोगों को लगता है कि किसानी क्या है, किसानी में बहुत फायदा है। आप नाम बता दीजिए, गांव बता दीजिए, जिला क्या क्या। नाम मेरा नाम प्रवेश कुमार पांडे है, ग्राम पचराव पोस्ट हासीपुर जिला मिर्जापुर का रहने वाला हूं मैं जी। इसका माइलेज कितना मिल जा रहा है आपको? ये हमको 1.25 लीटर का घंटा दे, 1.25 लीटर का बीघा दे रहा है। 1.25 लीटर का बीघा, पेट्रोल गाड़ी है। 1.25 लीटर बीघा, 1.25। और जैसे मतलब जुताई है, जुताई पर डिपेंड करता है, मैं जितना गहराई लूंगा तो वो 2 लीटर भी खा जाएगा। अगर तो भाइयों आप लोग अगर इसमें का लिए हैं होंडा का, तो आपका कितना खा रहा है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई मान लीजिए, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जो है कि हम तो यूज कर रहे हैं 2-3 महीने से, हमारी ये गलती नहीं है माइलेज में। माइलेज तो हम रोज ही देख रहे हैं इसका कि कितना है। हम जितना दबाएंगे उतना कम माइलेज मिलता है, और हम दबाते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि हमको खेत बनाना है। अरे अपना ही जोतना है ना, दूसरे का नहीं कि बचाना है, कि हमको भाड़ा कमाना है। तो यही है, कुछ है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा हम तेल उल का चिंता भी नहीं करते हैं, कितना देती है कितना नहीं, आप अपना लगाइए। लेकिन मैं देर ये कहना चाहूंगा कि ये सबसे बढ़िया है, बेस्ट है भाई, बेस्ट है। क्वालिटी इसकी, क्वालिटी ही आपको पता चलेगी कि हाँ कैसा है क्वालिटी, देखिए। तो भाई ये यही ब्रांड है ना, कहीं भी आप होंडा को किसी भी देश में जाएंगे होंडा को सब जानते हैं, होंडा को सब जानते हैं। तो इसी इन्हीं सब चीज़ों का पैसा लगता है। अगर ये समझिए, अगर इस बार जैसा रेट है अभी फिलहाल में 50-60 रुपए, अगर ऐसे रहे तो हम लोग पंजाब को टक्कर दे सकेंगे। दे सकेंगे, बिल्कुल दे देंगे भाई, देंगे, देंगे, ये गारंटी है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। स्टार्ट करो।